तो गाजर का हलवा रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने बनाया है गाजर का हलवा, जो कि इस सीज़न में पहली बार मैंने बनाया है। मैंने इसके पहले भी गाजर का हलवा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन ये जो मैंने गाजर का हलवा बनाया है बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने ये हलवा कैसे बनाया और कितना जल्दी बन के तैयार हुआ है। प्रतीक्षा, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आइए रेसिपी चालू करते हैं फटाफट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए देखिए कुछ नई रेसिपी फिर से लेकर हाजिर हूँ। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं गाजर। सर्दियाँ शुरू हो गई है फ्रेंड्स और मार्केट में गाजर मिलना शुरू हो गया है, और बहुत ही अच्छे गाजर सर्दियों में गाजर बहुत अच्छे मिलने लगते हैं। तो आज मैं गाजर का हलवा आप लोगों के साथ शुरू करूँगी बनाना। तो देखिए, इसके पहले भी मैंने शेयर किया है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी, जो कि आप फटाफट हलवा बना के रेडी कर सकती हैं, आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गाजर को लेंगे और इसको जो है, इसका जो ये हल्का हल्का देखिए ये निकला हुआ है, इसे हम पहले जो है छील लेते हैं, इसको हटा देंगे। इसको हटा देने से क्या होगा कि ये बहुत ही मतलब हलवे में गंदगी नहीं रहेगा और बिल्कुल बढ़िया हलवा ये बनके रेडी होगा। तो ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे हमें इसके ऊपर का जो ये रोमा टाइप है इसे हम हटाते जाएंगे। मैंने गाजर को पहले से ही साफ कर लिया है धोकर, और अब इसे हम ऐसे ही सारे गाजर को फटाफट से कर लेते हैं। सारे गाजर को देखिए मैंने यहाँ पे छील लिया है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी जो है बिल्कुल रफली कट करना है, ये नहीं कि हमें जो है आप जो है फटाफट आप चाहे तो लंबा भी कट कर सकती हैं। यहाँ पे मैं गोल गोल ही कट कर रही हूँ, देखिए ऐसे ही सारे गाजर को हम जो है कट कर लेते हैं, और जो साइड का ये कड़ा होता है इसे नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सारे गाजर को कट कर लिए हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। तो गैस को कर लेते हैं ऑन, और इस पे हम कुकर रख देते हैं गर्म होने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स गाजर का हलवा बनाना। तो कुकर हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं घी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के घी डाल दिया है। घी जो है फ्रेंड्स गरम है, अब इसमें जो मैंने ये गाजर कट करके रखा है इसे हम डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है, आप देख सकती हैं इसका जो है चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल बढ़िया से आप देख सकती हैं, देखिए ये सीरे जो है बिल्कुल बन गए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ढक्कन जो है प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, और 2 से 3 सीटी आने तक हम इंतजारी करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सीटी आ चुकी है, और हम इसे चेक कर लेते हैं, प्रेशर निकल गया है तो इसे खोलकर देख लेते हैं ढक्कन हटाकर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गाजर है
ये हो गया है, देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए कितना रसीला, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये टेस्टी हलवा बनने वाला है, देख सकती हैं। और बहुत ही ना घिसने की झंझट है और ना कुछ, बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप काटा में लगाएंगे चम्मच में और इसे हल्का सा, बस देखिए ये हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले मैशर लेंगे और मैशर से इसे हम सारे को ऐसे दबा दबा के मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप कटोरी से भी कर सकती हैं, उससे भी बिल्कुल आसान से हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से ये जो है हलवा, ये गाजर जो है मैश हो चुका है। तो आप देख सकती हैं बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करना कर रही हूँ। अब हमें गैस को कर लेना है ऑन। गैस को मैंने ऑफ कर दिया था, तो यहाँ पे हम कर दिए गैस ऑन और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो मैंने शीरे जो डाले थे चीनी, ये देखिए कितने बिल्कुल आसान, ये देखिए आपको दिखा सकती हूँ, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा ये रेसिपी है फ्रेंड्स। अब इसे हमें भून लेना है, 2 मिनट तक भूनेंगे इसे खोलकर। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम दूध डाल देंगे, तो दूध यहाँ पे हम 1 गिलास लिए हैं और 1 गिलास और डाल देंगे दूध। सब मिला के हम यहाँ पे 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूध को भी डाल देते हैं। और अब इसे हम भूनेंगे, ये देखिए तो इसे हमें पकाना है दूध में, बिल्कुल बीच बीच में ऐसे ही हमें चलाते रहना है। ये देखिए अभी ये दूध को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से सोख लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसे भूनते हमें 10 मिनट हो गया है और हलवा आप देख सकती हैं कितना परफेक्ट हलवा बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल ये देखिए कहीं से भी आपको ना तो दूध नजर आएगा और ना ही चीनी नजर आएगा, बिल्कुल बढ़िया हलवा ये मेरा बनके तैयार है। तो अब कर लेते हैं गैस को ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, हलवा देख सकती हैं कितना रसीला और यम्मी हलवा बनके बिल्कुल रेडी हुआ है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उसे आप डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे काजू और थोड़ा सा बादाम डाल दिया है। ये देखिए हलवा, आप ये एक बार हलवा बना के रख लीजिए, जब भी आपको खाने का मन हो या बच्चों को खाने का मन हो आप निकालिए, गरम कीजिए और फटाफट सर्व कर सकती हैं। गेस्ट भी आ गए तो उन्हें आप फटाफट खिला सकती हैं। और आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना आसान तरीका है ये हलवा बनाने का। नहीं तो अब गाजर को घिसिए, फिर उसे उबाल कीजिए, फिर बनाइए, बहुत झंझट होता है। तो ऐसे में मन भी होता है खाने का, तो हम लोग क्या कहते हैं अरे रहने दो, कौन बनाए इतनी मेहनत करे। लेकिन ये रेसिपी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया है बहुत ही अच्छा, आपने देखा बिल्कुल कितना आसान ये हलवा रेसिपी और कितना फटाफट हलवा बन के गाजर का तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी अच्छी लगी होगी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।